अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सा स्लीव का डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। ये डिज़ाइन आप लोग अपने ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। ये हमारी स्लीव है, स्लीव की चौड़ाई हमने डबल करके 8 इंच ली है और इसकी लेंथ हमने 16 इंच रखी है। अब हम स्लीव को कट कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर की साइड से कट करेंगे, पहले 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हम मार्क करके स्लीव को कट कर लेंगे। शोल्डर की साइड से हमने स्लीव को कट कर लिया है, अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। आगे से स्लीव हम 6.5 इंच रखेंगे। स्लीव को हमने कट कर लिया है, अब हम स्लीव को खोलकर इस पर हम कंट्रास्ट के कलर की पट्टियाँ लगाएंगे। इस पट्टी की चौड़ाई हमने तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट ली है। इस पट्टी को हम ऐसे डबल करके स्लीव के रोंग साइड पर रखकर इस पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। अब हम पट्टी को सीधे साइड पर फोल्ड करके यहां से स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने एक पट्टी को स्टिच कर लिया है, अब हम इसके बराबर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और ये दूसरी पट्टी को स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को हम इस साइड से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम दो पट्टियों को और स्टिच कर लेंगे। स्लीव पर हमने चारों पट्टियों को स्टिच कर लिया है, अब हम ये बुकरम का पीस लेंगे, इसे हम डबल करेंगे और इसकी लंबाई की तरफ हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ सेंटर से हम बुकरम की चौड़ाई की तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर लीफ की शेप बना लेंगे। और अब हम बुकरम को कट कर लेंगे। बुकरम को हमने कट कर लिया है, अब हम बुकरम को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। बुकरम को हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है, अब हम दोनों साइड से इस फैब्रिक को बुकरम की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने फैब्रिक को स्टिच कर लिया है, यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे डबल करके इसके सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। ऐसे सेंटर में हमने मार्क कर लिया है, अब हम स्लीव लेंगे, स्लीव के सेंटर में भी हम मार्क कर लेंगे। अब हम स्लीव के ऊपर इस फैब्रिक को रखेंगे। बुकरम वाले फैब्रिक को हम स्लीव से थोड़ा बढ़ाकर ऊपर की साइड रखेंगे और बुकरम के बराबर बराबर में सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है, अब हम सेंटर से फैब्रिक को कट कर देंगे। और यहाँ हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब हम इस बुकरम को उल्टे साइड पर फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ऐसे हमने बुकरम को उल्टे साइड पर फोल्ड करके प्रेस कर लिया है
और ये जो हमारा एक्स्ट्रा बुकरम है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेंगे। अब हम इस तरह से हैंड स्टिच करेंगे, यहाँ से इसको हमने फोल्ड कर दिया है। इसी तरह से हम इस पूरे को हैंड स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने इसको हैंड स्टिच कर लिया है। अब हम ये स्लीव के साथ का चकोर फैब्रिक लेंगे, ये चारों साइड से 3-3 इंच है, और इसके कंट्रास्ट का भी हम ये फैब्रिक लेंगे, ये भी 3-3 इंच है चारों साइड से। इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करके ट्रायंगल बना लेंगे। और अब हम ये वाला फैब्रिक लेंगे, इसको भी हम इसका भी ट्रायंगल बनाकर इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों कलर के कंट्रास्ट के ट्रायंगल्स बनाकर स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने ट्रायंगल्स की पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव लेंगे और इस स्लीव के अंदर हम इन ट्रायंगल्स को ऐसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा स्लीव का डिज़ाइन रेडी हो गया। अब हम लास्ट में स्लीव की फिटिंग कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल न्यू एंड ब्यूटीफुल स्लीव का डिज़ाइन रेडी हो गया। ऐसा सेम डिज़ाइन आप लोग अपने ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।